अरे 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 बेटे के खिलाफ ये बयान दे रहा हूँ कि मेरे बड़े बेटे के खिलाफ जलन से जो है ना बार बार उसकी तरफ न कर, और ये मेरा छोटा बेटा हसनदीन अली, ये हसनदीन अली पे हमला कर रहा हूँ, बड़े बेटे का नाम हसनदीन अली है, और मैं चाहता हूँ कि बार बार ये ना हो, कतल करना चाहता हूँ, जो भी पैसे निकाल दे दूंगा घर में कराएंगे, और उसको यहाँ से बेदखल करना चाह रहा हूँ घर में, बार बार भी हाथ उठाया कि मेरे पर भी हाथ उठाया, इससे ये हफ्ते में दो मरतबा हुआ, तो आप कंप्लेन करे बी एस ना, हाँ करा साहब, यहाँ से कंप्लेन किया भी आई, अच्छा तो सीआई साहब आपको कुछ रिस्पॉन्स दिए, हाँ ये तो फिर हमारे भांजे साहब आके जाका वहाँ कर दिए खालिद मोहम्मद साहब आके, अच्छा तो फिर मैं मजबूर होगा, इसकी वजह क्या है, वजह क्या है, वो पहलवान जो है ना उन्होंने समझदारी से बोले कि कहाँ लड़ लेते मामू बेटे थे, उन्होंने जाका वहाँ कर दिए, लेकिन बाद में फिर उन्होंने जाने का भी झगड़ा हुआ मेरा उसका, अच्छा और बदलाखी से और अपनी औलाद को खुद मारता, अब उसके बाद बी बच्चों को भी अलग दूर अलग कर दिया, एक महीने से बी बच्चे भी उसके घर से छोड़ कर चले, अच्छा उसके सुधार वाले भी सब खिलाफ है उसके, अच्छा जा रहे हैं कंप्लेंट कर, आप पुलिस से क्या मदद चाह रहे, पुलिस से मदद चाह रहा हूँ कि मेरे बड़े बेटे की हिफाजत हो और उनके दोस्त अहबाब की भी हिफाजत हो, जो शरीफ बच्चे है जो कभी 5 रुपए का चारा नहीं भरे, और उनके पास नाना तोहमत लगा के जो है ना उनके ऊपर फेसबुक कर दो पूरा, तो आप लोगों में से कोई उनके ऊपर हाथ उठाए, मैं छुड़ाने में था, अच्छा मैं छुड़ाने में था और जो है ना बेखाबूद भाई को मारने की कोशिश कर रहा था रात के 11:30 बजे, तो आपके बेटे पे तो कोई भी हाथ नहीं उठाया ना, नहीं दूसरे को खोजे बेटे पे, यानी कि जो आके आप लोग आपके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाए, नहीं उठाया ना, ये सब झूठे इल्जाम लगा के जो घरों में 5 रुपए 4 रुपए भरे उनके ऊपर इल्जाम लगा, तो मत लगाया पुलिस, तो आपके जो छोटे बेटे है उन्होंने पुलिस से ताल्लुकात है, उनके पुलिस से कमिश्नर तक के ताल्लुकात है, DCP से ताल्लुकात है, आपके सत्यनारायण साहब से ताल्लुकात है, रामकुंडा में है उन्होंने, और हर एक से ताल्लुकात है, नाजायज फायदा उठा रहे हैं, बात करें कि बाबूराव साहब को फोन कर रहे थे, बात करे तो ताजुद्दीन साहब को फोन कर रहे थे उन्होंने, और बात करे कि अब नए DCP कौन है ये तो नहीं मालूम मुझे, तो उनसे फायदा कर रहे थे, DCP साहब जो है ना घर भी बार बार जो है ना यहाँ झूठे कंप्लेन देख के बस्ती के खिलाफ रोजाना पुलिस को लगा, और ये चीज अच्छी नहीं है बस्ती वालों के लिए, जो हमेशा जो है ना तकलीफ दे रहा बस्ती वालों को, और ना कि घड़ी घड़ी जो है ना बच्चे ये बंद कर दिए वो बंद कर दिए, बल्कि जो है ना झूठे सरकल साहब को ला रहा, SI साहब को ला रहा, और फिर बच्चों को फिर बुलाया आज, ये जो है ना मैं इसके लिए जो है ना हमारे बस्ती वालों से माफी चाहता हूँ, और जो है ना इस तरह कामा नहीं होना चाहिए, और ये बच्चा पुलिस से जो वास्ता रखे हुआ है बड़े बड़े ऑफिसरों से, इसे नाजायज फायदा उठा रहा है, अब कुछ आप सवाल करें तो उसका जवाब दूंगा, ये आपके बच्चे के खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं ले रहे हैं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों से दोस्ताना है, और रफीक साहब से दोस्ताना है, और अब रफीक साहब ही शहीद है कि इंचार्ज है, और DCP साहब को नहीं मालूम, और जो है ना कमिश्नर साहब से उठना बैठना है, वहाँ से वास्ता लगा के यहाँ आता पिकअप तो PS पार्टी, ये लोग सुनना पड़ता, फिर बस पुलिस को लेकर आता गली में, कुछ सभी बच्चों को नाजायज हरकतें कर रहा, कितनी बार कंप्लेंट करा इनके पर अभी तक, ये तीसरी मरतबा हो गया, एक बार कंप्लेंट नहीं हुई, नहीं हम लोग एक मरतबा कंप्लेंट करे लेकिन वो नहीं लिए, अभी तक उसका कोई FIR काफी नहीं, हुसैन बिन अली, आपका नाम, मेरा नाम अली बिन अब्दुल रब बाखताब, चंदन गुट्टा 18 में, ये क्या है बस्ती के बच्चों का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कोई नहीं, कोई कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बच्चे बस्ती के बच्चे 2-2 5 रुपए का चालान भी भरे हुए नहीं है इसमें, बस्ती के बच्चों का कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कुछ भी कोई गलत काम बैठना उठना या नहीं, निकलते अपने काम से बाहर जाते हैं, अपने घर का सौदा लाते चले आते घरों में, और ये पुलिस आई तो घर में से ही निकले बच्चे, जी भाई आपके घर वालों को बुला के जो स्पीच दिया सही है वो, जैसे सब ये झूठा माँ को धोखा देके जो है ना वीडियो लिया, बड़े बड़े ऑफिसर से उसके तालुकात है, आप लोगों को धमकी देता था, आपको धमकी नहीं था, बच्चों को धमकी दे रहा, यहाँ के पुलिस ऑफिसर से जो है ना काम निकाल रहा, माँ के ऑफिसरों से बात करके वहाँ से फोन करा के आता है सर साहब को, ये बात है कार्ड है पुलिस।